प्रदेश विधानसभा के लिए 12 नवंबर को होने वाले चुनाव के लिए राज्य के मौजूदा सत्ता दल भाजपा ने आज अपने 62 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। इस सूची में जहां पार्टी ने अपने 11 मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए हैं, वहीं दो मंत्रियों सुरेश भारद्वाज और राकेश पठानिया के चुनाव क्षेत्रों में बदलाव किया गया है। भाजपा ने अपनी सूची में 5 महिलाओं को पार्टी टिकट दिया है। टिकटों का फैसला बीती रात पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की हुई बैठक में लिया गया। बैठक की अध्यक्षता भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने की। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और समिति के अन्य सदस्य शामिल हुए। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह की ओर से जारी पार्टी उम्मीदवारों की सूची के अनुसार मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अपने परंपरागत चुनाव क्षेत्र सरात से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज को चुराह, डॉक्टर जनकराज को भरमौर, इंदिरा कपूर को चंबा, डीएस ठाकुर को डलहौजी और विक्रम जरियाल को भटियात से टिकट दिया गया है। वन मंत्री राकेश पठानिया इस बार फतेहपुर से भाजपा उम्मीदवार होंगे। उनके गृह चुनाव क्षेत्र नूरपुर से इस बार पार्टी ने रणबीर सिंह उर्फ निक्का को पार्टी उम्मीदवार बनाया है। इसी तरह रीता धीमान को इंदौरा, संजय गुलेरिया को जवाली, उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर को जसवां परागपुर, रविंद्र धीमान को जयसिंहपुर, विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार को सुलह, अरुण कुमार कुक्का को नगरोटा सूर्या, कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए पवन काजल को कांगड़ा, सरवीन चौधरी को शाहपुर, राकेश चौधरी को धर्मशाला, त्रिलोक कपूर को पालमपुर और मुल्खराज प्रेमी को बैजनाथ से भाजपा टिकट दिया गया है। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति से तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मारकंडा पार्टी उम्मीदवार होंगे, जबकि किन्नौर से भाजपा से इस बार सूरत नेगी को अपना उम्मीदवार बनाया गया है। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर को मनाली, सुरेंद्र शौरी को बंजार और लोकेंद्र कुमार को आनी से टिकट मिला है। पार्टी ने दीपराज कपूर को करसोग, राकेश जम्वाल को सुंदरनगर, विनोद कुमार को नाचन, पूरन चंद ठाकुर को द्रंग, प्रकाश राणा को जोगिंदरनगर, रजत ठाकुर धर्मपुर, अनिल शर्मा को मंडी, इंद्र सिंह गांधी बहल और दिलीप ठाकुर को सरकाघाट से टिकट दिया गया है। डॉक्टर अनिल धीमान भोरंज, कैप्टन रंजीत सिंह सुजानपुर, नरेंद्र ठाकुर हमीरपुर और विजय अग्निहोत्री नादौन से भाजपा उम्मीदवार होंगे। चिंतपूर्णी से पार्टी ने बलबीर सिंह चौधरी, गगरेट से राजेश ठाकुर, ऊना से सतपाल सत्ती और कुटलेहर से वीरेंद्र सिंह कंवर को उम्मीदवार बनाया है। इसी तरह झंडुता से जेआर कटवाल, घुमारवी से राजेंद्र गर्ग, बिलासपुर से त्रिलोक जम्वाल और नैना देवी से रणधीर शर्मा पार्टी प्रत्याशी होंगे। गोविंद राम शर्मा अर्की, लखविंदर राणा नालागढ़, परमजीत सिंह पम्मी दून, राजेश कश्यप सोलन और डॉ. राजीव सैजल कसौली से भाजपा उम्मीदवार बनाए गए हैं। रीना कश्यप पच्छाद, डॉ. राजीव बिंदल नाहन, नारायण सिंह श्री रेणुका जी, सुखराम चौधरी पांवटा साहिब और बलदेव तोमर शिलाई से भाजपा उम्मीदवार होंगे। इसी तरह बलवीर वर्मा चौपाल, अजय श्याम ठियोग, सुरेश भारद्वाज कुसुमटी, संजय सूद शिमला, रवि मेहता शिमला ग्रामीण, चेतना बराकटा जुब्बल कोटखाई और शशि बाला रोहड़ू से पार्टी उम्मीदवार बनाई गई है। भाजपा की पहली सूची में जिन 11 विधायकों के टिकट कटे हैं, उनमें सरकार में सबसे पावरफुल मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर भी शामिल हैं। धर्मपुर से महेंद्र सिंह ठाकुर के पुत्र रजत ठाकुर को पार्टी टिकट दिया गया है। इसके अलावा भरमौर से जियालाल, चंबा से पवन नैयर, जवाली से होशियार सिंह, धर्मशाला से विशाल नेहरिया, आनी से किशोरी लाल, करसोग से हीरा लाल, द्रंग से जवाहर ठाकुर, सरकाघाट से कर्नल इंद्र सिंह, बिलासपुर से सुभाष ठाकुर और भोरंज से कमलेश कुमारी का टिकट कट गया है। भाजपा को अभी जिन और 6 टिकटों पर फैसला करना है, उनमें देहरा, ज्वालाजी, कुल्लू, रामपुर, बड़सर और हरोली शामिल है।